भाई एक सेकंड, एक जन को मैं रूम और आईडी बोल देता हूँ। हाँ बोलना। क्या है लॉयन? एक सेकंड भाई मैं चेक करता हूँ, एक सेकंड मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ आईडी और पासवर्ड। भाई मेरे को रिक्वेस्ट भेज रूम की तरफ से, जल्दी से रिक्वेस्ट तो भेज। मैं दूसरा काम कर रहा था, तो बोला था मैं लाइव पे गया हूँ। स्क्वाड नंबर 1 जो है B2W सही है, और स्क्वाड 2 LC की सही है। स्क्वाड ये कौन सी है, 4 या 3? हाँ 3 भी आके सही है। 4 आके हम लोग की FIs की है, सही है। 5 आके हमारी, फाइव आके क्लासिक सलमान। हाँ टीम नंबर 5 की बात कर रहा है ना। हाँ क्लासिक सलमान सही है। टीम नंबर 6 आके गनचोर, गनचोर की टीम। हाँ सही है। टीम नंबर 7 आके 8 PM वालों की है। भाई 8 PM वालों की टीम में एक या दो बंदे अलग आए, ये कौन क्या हो रहा है? रुक रुक रुक, भाई 98 हो गए। छोड़ दे छोड़ दे, चलेगा। रुक एक सेकंड, स्टार्ट मत मारियो एक सेकंड। हाँ हॉकी थोड़ा कनेक्शन देने, आज कनेक्शन थोड़ा लेट हो गया। एक सेकंड रुक जा। भाई जैसे आप देख सकते हो अभी 100 मेंबर्स हमारे रूम में एंटर हो चुके हैं, तो हम गेम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी जैसे आप देख सकते हो हमारा गेम स्टार्ट हो गया है। तो गाइस जिन जिन की स्क्वाड्स मैंने, मतलब जिन जिन के स्क्वाड्स को जो जो स्लॉट अनाउंस किया है, प्लीज़ स्लॉट वाइज ही आइए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इश्यूज़ हो जाते हैं। दूसरे स्क्वाड के बंदे आपके स्क्वाड में एंटर हो जाते हैं, तो आप लोगों को एक अलग टाइमिंग्स दिया है। जिन जिन्होंने स्लॉट बुक किए वो टाइमिंग्स पे ही आपको एंटर करना है, ताकि आप लोगों के स्लॉट में कोई और बंदे ना आ सके। प्लीज़ गाइस थोड़ा ध्यान रखिए। आज और आज एक अनाउंसमेंट करने वाला है, जो आज शाम का मैच होने वाला है 7 से 9 बजे के बीच में, उसका आपको टाइमिंग्स जल्दी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उस मैच में हम कुछ जूसीज गिव करने वाले हैं विनिंग टीम के बंदों को। तो गाइस और जिन जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब चैनल का नाम है स्काई किंग्स हब। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए फॉर द नोटिफिकेशन के लिए। आप जैसे कि देख सकते हो अभी सब टीम फिल हो चुकी है, 25 की 25 टीम। गाइस अगर आपको आपका स्लॉट बुक करना है, ताकि कोई और मेंबर आपके स्क्वाड में ना आ सके, तो आपको मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज करना पड़ेगा। आप योगेश रावत YOGESH4NWK, तो आपका स्लॉट बुकिंग में मैं हेल्प आउट करूँगा। कौन सी टीम आपको अलॉट करनी है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन उधर मिल जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा प्लेन जा रहा है नोवो की तरफ से सेवनी की तरफ। गाइस कल कुछ क्वेश्चन आए थे, क्या हम यूसीज गिव अवे वगैरह करते हैं? हाँ विनिंग टीम्स को यहाँ पे हम यूसीज वगैरह देते हैं। जैसे हम लोगों के कल के दोपहर के मैच में एक टीम ने जीता था, उनको यूसीज दे दी गई थी, और आज शाम को भी यूसीज की मतलब गिव अवे होने वाली है। जो भी विनिंग टीम रहेगी उनके चारों बंदों को यूसीज मिलेगी। और जैसे देख सकते हो सब बंदे अपने अपनी पोजिशन की तरफ जा रहे हैं।
गाइस टोटली अभी 17 स्लॉट बुक हो चुके हैं, तो प्लीज आप अगर आपको बुकिंग करना है हमारे शाम के स्लॉट्स में, तो प्लीज आपको योगेश शर्मा जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे मैसेज करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टीम नंबर 24 और टीम नंबर यहाँ पे ओवरऑल 19 भी है, और बहुत सारी टीम के ग्राउंड हम चेकआउट करते हैं। टीम नंबर 22, 19 और टीम नंबर 17, 13, 12 ये सब यात्रा में प्लेयर, जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 25 का भी एक बंदा नॉक हो चुका है, दो बंदे नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 25 के। जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 25 का दोनों बंदे वाइप हो चुके हैं भाई। ये किल मिला था 19 नंबर टीम को, आपने जैसे देखा अभी दो बंदे 25 के वाइप हो चुके हैं, ये किल लिया था 19 नंबर की टीम ने। जैसे देख सकते हो यहाँ पे 22 के टीम पे भी फायरिंग हो रहा है, और 22 का एक बंदा किल हो चुका है और एक बंदा नॉक पड़ा है जैसे आपने अभी अभी देखा। गाइस आप देख सकते हो जैसे कि यासना में बहुत सारी टीम्स उतर गई है, टीम 12, 13, 17, 19, 22 और 25 यासना में उतरी है। जो यासना में उतरी है 22 के और बंदे नॉक हो चुके हैं 13 के द्वारा, आप जैसे देख सकते हो पे और टीम नंबर 13 पुश करते हुए और टीम नंबर 13 ने पुश मार दिया 22 की तरफ, जैसा आप देख सकते हो टीम नंबर 22 यहाँ पर पूरा वाइप हो चुका है टीम नंबर 13 के द्वारा। जैसे आपने अभी देखा टीम नंबर 13 ने पूरा 22 टीम को वाइप कर दिया है। गाइस अभी हम बढ़ते हैं टीम 13 के तरफ, जिनका एक बंदा अभी नॉक पड़ा, एक बंदा किल हो चुका है। मारो भाई कत्ता सर क्लियर सी मुंह अनकू आते जे मसी यार इंडिया रहे। गाइस अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर 4 के बीच में भी फायरिंग हो रहा है, जो अभी स्कूल पे है, और आप देख सकते हो स्कूल के अपार्टमेंट्स में टीम नंबर 2 जो एलसी की थी वो आ गई है। इली बग्गी पे बैठी थी बिन को चढ़ता तो उन्होंने दिया है। ऐसे जब देख सकते हो यहाँ पे दो टीम्स एक दूसरे को मतलब फॉलो कर रहे हैं, टीम नंबर 20, 11 और 7 के बंदों के बीच में कार से ही यहाँ पे फॉलोइंग चल रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे तो मैं गन ही नहीं मिली घंटा भर के, तो मैं तो आए तो मैं गन ही नहीं मिली, 7 भी गन का खराब है उनके घंटा नहीं। जैसे आपने अभी देखा अरे बग्गी पोतरी पे बैठ गए, हमें तो पेड़ के कवर में आते भाई साहब ये कुत्ता रखे ऊंचा देने लगे, हम भागे तो दूसरे ने बचा रहा था। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि टीम नंबर 2 ने अपना एक बंदा खो दिया जिनका नाम है एलसी सत्यम, और ये उतरे थे स्कूल के अपार्टमेंट्स में, और इनके सामने ही थी टीम नंबर 4 जो है FI की। सब देख सकते हो जैसे कि पहला ड्रॉप गिर चुका है टीम नंबर 8 आजा 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 के पास में गिरा आजा, आजा। ये ड्रॉप जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ए ड्रॉप, हाँ आजा आजा, नहीं 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 रूम है तेरे पास, हाँ आजा आजा अभी आजा अभी आजा। वैसे जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 8 का एक बंदा आ गया ड्रॉप लूटने के लिए, आजा आजा हाँ जैसा खेलना हो वैसा खेल लेना। M2 पर करेगा यार यार, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे उनको मिनी फोर नहीं MK14 मिल चुकी है।
ओवरऑल मैं आपको बता दूं, टीम नंबर वन ने अब एक किल लिया है, पूरी स्क्वाड सर्वाइव करी है। टीम नंबर टू ने चार किल लिया है और तीन बंदे सर्वाइव करे। टीम नंबर थ्री ने जीरो किल्स पे पूरे चार बंदे सर्वाइव करे और टीम नंबर फोर भी जीरो किल्स पे पूरे चार बंदे सर्वाइव करे। टीम नंबर फाइव भी जीरो किल्स पे पूरे चार बंदे सर्वाइव कर रहे हैं। टीम नंबर सिक्स भी पूरी सर्वाइव कर रही है जीरो किल्स पे। टीम नंबर सेवन के दो ही बंदे सर्वाइव कर रहे हैं, टोटली एक किल लिया है इन लोगों ने। और टीम नंबर जैसे एट देख सकते हो जीरो किल्स पे सर्वाइव कर रही है पूरी स्क्वाड। टीम नंबर नाइन भी जीरो किल्स पे तीन बंदे सर्वाइव कर रहे हैं जैसे आप देख सकते हो। टीम नंबर टेन भी जीरो किल्स पे पूरी स्क्वाड सर्वाइव कर रही है। टीम नंबर 11 भी पूरी सर्वाइव करी है जीरो किल्स पे। टीम नंबर 12 भी जीरो किल्स पे सर्वाइव करी। टीम नंबर 13 जो है चार किल पे तीन बंदे सर्वाइव कर रहे हैं अभी। टीम नंबर 14 भी जीरो किल्स पे सर्वाइव करी है। टीम नंबर 15 जो है वन किल पे सर्वाइव करी है पूरी स्क्वाड। टीम नंबर 16 भी पूरी स्क्वाड सर्वाइव करी है जीरो किल्स पे। टीम नंबर 17 भी पूरी स्क्वाड सर्वाइव करी है जीरो किल्स पे। टीम नंबर 18 भी पूरी स्क्वाड सर्वाइव करी है जीरो किल्स पे। अब देख सकते हो टीम नंबर 19 ने दो किल लिए पूरी स्क्वाड सर्वाइव करी और टीम नंबर 20 ने एक ही एक किल लिया और एक ही बंदा सर्वाइव कर रहा है अभी। टीम नंबर 21 जैसे आप देख सकते हो जीरो किल्स पे पूरी स्क्वाड सर्वाइव कर रही है और टीम नंबर 23 भी जीरो किल्स पे तीन बंदे सर्वाइव कर रहे हैं। टीम नंबर 25 जीरो किल्स पे दो बंदे सर्वाइव कर रहे हैं। थोड़ा अभी हम बढ़ते हैं जॉर्जी पूल की तरफ जहाँ पे टीम नंबर 18 उतरी और जॉर्जिया सिटी में उतरे टीम नंबर 1 के बंदे। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शायद टीम नंबर 1 और 7 के बीच यहाँ पे फाइट होने वाली। टीम नंबर 1 का बंदा उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। गाइस आपको क्या लगता है यहाँ पे बंदा सरवाइव कर पाएगा? हम चलते हैं टीम नंबर 1 के बंदे जो नीचे है कैंप कर रहे हैं उनके पास। भाई आप देख सकते हो सोलो है और इनके पास टीम नंबर 7 के बंदे आ चुके हैं। शायद इन पे यहाँ पे रश हो जाए टीम नंबर 7 के द्वारा। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे सेवन पे फायरिंग हुई थी टीम नंबर 1 के द्वारा पर वो मिस हो गए। टीम नंबर 7 के अभी आप देख सकते हो जैसे कि दो बंदे उनकी तरफ आ रहे हैं। जल्द से जल्द इनको यहाँ से निकलना पड़ेगा अपनी बगी लेके क्योंकि ये सोलो यहाँ पे अकेले ही है। टीम पर टीम सिक्स के लास्ट ज्यादा से ज्यादा यासना पोला में ही दिख रहा है आपको। जैसे कि 17 टीम का एक और बंदा भी नॉक हो चुका है। यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे टोटली चार से पांच स्क्वाड उतरी थी टीम नंबर 12 पे भी। देख सकते हो फायरिंग हो रहा है टीम नंबर 17 के द्वारा जो एलसीस की है ये भी टीम। ऐसा जैसे देख सकते हो यहाँ पे टोटली एक दो तीन चार स्क्वाड अभी भी है। दूसरी टीम्स की तरफ भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे अभी। जब देख सकते हो जो टीम नंबर 11 जार्की में उतरी थी उन पे जोन आ गया अभी, उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। और टीम नंबर 12 और यहाँ पे 10 के बीच में फाइट हो रहा है। आप देख सकते हो दोनों गाड़ी पे ही है टीम नंबर 10 और टीम नंबर 12। टीम नंबर 12 की बाकी की स्क्वाड आके आसाम है। आप देख सकते हो अकेले बंदे रैंडम घूम रहे हैं सोलो। ऐसे आप स्कूल पे भी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 4 और टीम नंबर 2 जो एलसीस की है यहाँ पे भी बहुत फायरिंग हो रहा है। यहाँ पे जैसे एलसीस का एक बंदा किल हो गया था। जैसे आप देख सकते हो एलसी का और एक बंदा यहाँ पे फायर ले रहा है और उसने टीम नंबर 4 के एक बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज दिया है ठीक रहते हुए। जैसे आप देख सकते हो एक बंदा अभी टीम नंबर 4 का मतलब नॉक होने ही वाला था वो मिस हो गया। आप देख सकते हो उसकी हेल्थ एकदम कम है यहाँ पे टीम नंबर 4 का जो बंदा था। यहाँ पे एलसी का भी एक बंदा नॉक हो गया जैसे आप देख सकते हो और टीम नंबर 4 का भी एक बंदा नॉक हो चुका है आपने देखा गाइस अभी अभी।
टीम नंबर फोर अपने टीम मेट को रिवाइव करते हैं और टीम नंबर टू की तरफ हम बढ़ते हैं, जिनका मतलब एक पहले से ही एक बंदा नॉक हो चुका है और यहाँ पे नॉक हुए थे एम आर जोकर। वैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 11 अभी भी जोन में ही है, ये लोग अभी जॉर्जपुल में एंटर किए हैं। देख सकते हो पूरी स्क्वाड अभी एक साथ में है। वैसे जैसे आप अभी इधर भी देख सकते हो टीम नंबर 21 भी टीम नंबर 4 के 4 से ज़्यादा दो नहीं है, 4 और 2 वो स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनको वो बंदे नहीं दिखेंगे क्योंकि वो थोड़ा दूर है उनसे। गाइस जो भी अभी किल हो चुके वो प्लीज़ लाइव स्ट्रीम में आके लाइव चैट के द्वारा अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कीजिए। और जिन जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चैनल का नाम बता दे रहा हूँ, मेरा चैनल का नाम है स्काइकिंग्स हब, प्लीज़ जाके उस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। और जिन जिनको मतलब अपनी स्लॉट बुक करानी है कल के मतलब आज शाम के मैच के लिए जो होने वाला है, विनिंग टीम को यूसीज गिव, पूरी टीम के चारों बंदों को हम लोग यूसीज देने वाले हैं जैसे कल हुआ था। गाइस जिन जिनको अपने स्लॉट बुक कराने हैं, आप जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 17 स्लॉट बुक हो चुके हैं स्क्वाड्स के। स्लॉट बुकिंग में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका पूरा स्क्वाड एंटर कर रहा है रूम में और कोई और रैंडम बंदा आपके स्क्वाड में आ गया है तो हम उसको हटा के आपके बंदों को आने की मतलब वहाँ पे आने के लिए देखते हैं। तो प्लीज़ अगर आप अपनी मतलब स्लॉट बुक कराना चाहते हो तो आपको मेरे इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज करना पड़ेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश रमौत YOGESHRAMAWATH, वहाँ पे आपको गेम के रिलेटेड हमारे जो भी स्ट्रीम के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे अभी आप देख सकते हो टीम नंबर 6 के 2 बंदे नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे टीम नंबर 5 के भी एक बंदे नॉक हो चुके हैं। जैसे आप देख रहे हो टीम नंबर 6 और टीम नंबर 5 के बीच में फायरिंग चला है। गाइस आपको क्या लगा और टीम नंबर 5 का यहाँ पे शायद एक बंदा ही है इनको किल कर सकता है, टीम नंबर 6 का उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा ही लो है जैसे आपने अभी देखा। गाइस जैसे आप अभी देख रहे हो टीम नंबर 6 के 2 ही बंदे सर्वाइव कर रहे हैं, एक अभी भी नॉक पड़ा है। तो गाइस यहाँ पे टीम नंबर 6 को वाइप कर दिया टीम नंबर 5 ने, जैसे अभी देखा नेड आया था उन पे। गाइस यहाँ पे गाइस टीम नंबर 7 अपना किल हो रही है जरा उनकी तरफ चलते, टीम नंबर 7 पूरी वाइप हो चुकी है जैसे आपने देखा जोन के बाहर थे वो लोग। यासना में अभी भी मूवमेंट्स दिख रहे हैं टीम नंबर 17 और टीम नंबर 18 के बीच में, हम बढ़ते हैं उनकी तरफ। जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 13 भी यहाँ पे जिनका एक बंदा भी नॉक हो चुका है, यहाँ पे टीम नंबर 17 भी है। ओवरऑल बहुत सारी टीम है यासनास में, जैसे मैंने आपको बताया था पहले 4 स्क्वाड्स थी, अभी आप देख सकते हो 5 स्क्वाड से टोटली 25 ने भी यासना में एंटर कर लिया है। गाइस आपको क्या लगता है यहाँ पे, आप जैसे कि देख सकते हो टीम नंबर 18 मिनी 14 से 6x लगा के टीम नंबर 13 के तरफ फायरिंग, और शायद टीम नंबर 12 के बंदों ने टीम नंबर 13 के घर में एंटर कर लिया है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। गाइस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो टीम नंबर 12 का एक बंदा अभी नॉक हो चुका है। टीम नंबर 13 ने मतलब अच्छा यहाँ पे कैंप किया जैसा देख सकते हो, टीम नंबर 12 का बंदा की तरफ आता है टीम नंबर फायर कर दिया है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो टीम नंबर 12 का बंदा नॉक हो चुका है और उनका दूसरा बंदा ऊपर आया उनको भी फायर या फिर नॉक कर दिया। अब जैसे देख सकते हो टीम नंबर 13 ने पूरा टीम नंबर 12 को वाइप कर दिया जैसे आपने अभी अभी देखा, टीम नंबर 13 ने टीम नंबर 12 को वाइप कर दिया है। यहाँ पे ओवरऑल अभी बचे हैं 13, 17, 18, 25 वेल प्लेड टीम नंबर 13। आप जैसे देख सकते हो टीम नंबर 13 का एक बंदा नॉक कर दिया गया टीम नंबर 17 के द्वारा। आप जैसे देख सकते हो 17 टीम ने 4x लगा के कान 98 से उनको हेडशॉट दिया, वो नॉक हो चुके हैं।
गाइस टीम नंबर 13 बहुत ही अच्छा खेले, जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी किल रेटिंग 6 है, डार्क डेविल के 5 है, उनके एक ही बंदों ने मतलब 5 किल लिए है यहाँ पे, बहुत अच्छा खेले टीम नंबर 13 और उनके तीन ही बंदे सर्वाइव करे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। गाइस अभी हम दूसरी टीम्स की तरफ बढ़ते हैं, टीम नंबर जो जो ओवरऑल टीम से मैं आपको सबको बताते आऊँगा, ये टीम नंबर 1 जैसे कि टीम नंबर 23 पे यहाँ पे कुछ टीम नंबर 23 यहाँ पे दो बंदे किल हो चुके हैं, आप जैसे कि देखा अभी अभी मैप में शो किया ये दूसरा बंदा, और टीम नंबर 23 का एक ही बंदा सर्वाइव करे और वो मेंशन में आ चुका है, यहाँ पर पूरी स्क्वाड है टीम नंबर 14 की, इनको यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर इसको सर्वाइव करना है तो। जैसे आप देख सकते हो एलसी जो अभी यात्रा में थे उन्होंने और एक अभी अभी मतलब हेडशॉट मारा है गाइस, जैसे अभी अभी आपने देखा एलसी के एक बंदे ने अभी भी और एक हेडशॉट मारा है, ये पता नहीं किसको गाइस आप देख सकते हो जोन बना है मिल्टा फार्म पोचिंग की रोजो कैसा बोल के प्रिजन के वहाँ पे, गाइस आपको क्या लगता है कौन सी टीम आज जीतेगी, प्लीज सपोर्ट कीजिए अपनी अपनी टीम को यार। गाइस आप देख सकते हो टीम 18 के पास भी कार 98 यहाँ पे आ गए और वो टीम 17 के बंदों पे फायर कर रहे हैं, टीम 17 के बंदे उनको स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा देख सकते हो शायद टीम 18 के बंदे नीचे आके उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, शायद यहाँ पे उनकी तरफ ये लोग घूम के जाएंगे। अच्छा ये अपने टीममेट्स के लिए हेलमेट मार्क कर रहे हैं, शायद किसी का हेलमेट यहाँ पे कार 98 के कारण, भाई यार टीम 11 यार टीम 11 को दिखाओ प्लीज, चलो भाई एक बंदे की रिक्वेस्ट पे हम आपको आपकी टीम नंबर 11 दिखाते हैं जो अभी तक सर्वाइव करी है 0 किल्स पे, जैसे आप देख सकते हो टीम 11 और ये सेफ खेल रहे हैं, ये जोन के बारी है अभी तक मतलब सेफ, आज इन्होंने सेफ खेलने का देखा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स आ रही है टीम नंबर 1 की तरफ से और टीम नंबर 13 की तरफ से, जरा उस तरफ भी बढ़ा जाए, टीम नंबर 1 के टोटल किल है ओनली 1 और जैसे देख सकते हो टीम नंबर 1 के पास शायद टीम नंबर 3 का भी एक बंदा आ चुका है, गाइस यहाँ पे टीम नंबर 10 का एक बंदा नॉक हो चुका है टीम नंबर 15 के द्वारा, जैसे आपने देखा अभी अभी उसको हील मिला है, ये सब देख सकते हो रोलर में टोटली दो टीमें टीम नंबर 10 और टीम नंबर 15, हम दोनों टीम की तरफ चलते हैं, अब देख सकते हो टीम नंबर 15 अभी 10 पे फायरिंग कर रहे हैं रैंडम, आप देख सकते हो स्पैरल लेके ये फायर करे 2x स्कोप में, गाइस इनके बंदे नीचे से जो वैट रोहित है पुश कर रहे हैं शायद कार 98 लेके वो स्कोप लिए हुए है, गाइस आपको क्या लगता है ये रोजॉक का जो मैच हो रहा है इसमें कौन सी टीम सर्वाइव कर पाएगी, टीम नंबर 15 या टीम नंबर 10, गाइस शो 25 साइलेंट किलर, गाइस ये एक बंदे की रिक्वेस्ट थी कुमार थे उनका सरनेम में नाम नहीं पड़ा, जैसे आप देख सकते हो कुमार ने खान कोई थे खान, उन्होंने टीम नंबर 25 को 25 के एक बंदे को दिखाने के लिए मैसेज किया था और एक कुमार करके बंदे जो टीम नंबर 11 के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 25 का एक बंदे का हेल्थ एकदम लो है और किल हो चुके हैं, जैसे आपने देखा यहाँ पे टीम नंबर 25 का एक ही एक बंदा भी सर्वाइव कर रहा है, एक उनका जो बंदा था किल हो चुका है और ये यहाँ से अब गाड़ी लेके निकल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम बढ़ते हैं दूसरी टीम की तरफ, गाइस अभी भी आप देख सकते हो टीम नंबर 11 0 किल्स के साथ अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे उनको गिली शूट मिल चुका है, गिली शूट भी मिल चुका है जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, गाइस इनके पास में है टीम नंबर 5 जो 4 किल्स लिए हुए अभी,
इस रोजॉक में आप जैसे कि देख सकते हो टीम नंबर 15 के दो बंदे नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 10 के द्वारा। कुछ बंदे नॉक हो चुके हैं जैसे आपने अभी अभी देखा, शायद यहाँ पे टीम नंबर 10 का एक ही एक बंदा, हाँ टीम नंबर 10 का एक ही एक बंदा बचा। आप जैसे कि देख सकते हो टीम नंबर 10 को वाइप कर दिया टीम नंबर 15 ने। वेल प्लेड गाइस, टीम नंबर 10 वाइप हो चुकी है, अभी ये मैच में नहीं रही। आप जैसे देख सकते हो टीम नंबर 15 ने उनको वाइप कर दिया है गाइस। अभी जोन बन गया है स्कूल पे, और जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी टीम्स अभी एंटर, जो एलसीस की टीम थी वो अभी भी स्कूल के अपार्टमेंट्स में ही है, जो दो नंबर की टीम थी, और 25 टीम अभी अभी एंटर किया है। अभी आप देख सकते हो टीम नंबर 23 का एक बंदा किल हो चुका है गाइस। जो भी लाइव चैट पे है प्लीज़ अपने अपने विनिंग पर क्या है भाई, भाई अभी कुछ नहीं है, जो हमारा शाम का मैच होने वाला है जो 7 से 9 बजे के बीच है, उसमें जो विनिंग टीम रहेगी जैसा कल दोपहर में हुआ था उनको यूसीस मिले थे, जो भी विनिंग टीम के मेंबर्स थे सबको, चारों बंदों को, तो आज शाम की जो मैच होगी जो विनिंग टीम रहेगा उनके बंदों को यूसीस दिया जाएगा। अगर आपको उस कब मैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी योगेश रमात YOGESH4MAWATH भाई। जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 14 और टीम नंबर 8 के बीच में यहाँ पे क्लैश हो गया, और टीम नंबर 8 को वाइप कर दिया टीम नंबर 14 ने, जैसे अभी 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 आपने देखा उनका बंदा एक नॉक पड़ा है। तो गाइस आपको जो भी मैच, ओ गाइस आप जैसे कि देख सकते हो टीम नंबर 16 से भी यहाँ पे उनकी तरफ फायरिंग आ रहे हैं कुछ, तो भाई अब अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए गेम के रिलेटेड, हम लोग क्या प्राइस देने वाले हैं ये गेम में, नहीं जो भी गेम में प्राइस रहता है हम आपको पहले जो मतलब मैच के डिटेलिंग्स होते हैं उसमें ही इन्फॉर्म कर देते हैं। जो अभी हमारा शाम का मैच होने वाला है जो 7 से 9 बजे के बीच रहेगा, हम आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे टाइमिंग्स दे देंगे, आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को नोट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी है YOGESH4MAWATH योगेश रामावत, तो वहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो शाम का मैच होने वाला है उस पर विनिंग टीम को हम यूसीज देने वाले हैं, ये हमारा दूसरा मैच रहेगा जिसमें हम लोग यूसीज देने वाले हैं बंदों को। गाइस प्लीज अपने अपने टीम को सपोर्ट करते हुए प्लीज लाइव चैट में आ जाइए, जो जो बंदे किल हो चुके हैं अपने अपने टीम्स पे सपोर्ट बताइए। और जैसे देख सकते हो ओवरऑल कौन सी टीम सर्वाइव कर रही है, टीम नंबर वन अच्छा यहाँ पे कुछ मोमेंट्स मिल रहे हैं 21 और टीम नंबर 5 के बीच में, हम जरूर उनकी तरफ बढ़ेंगे। एक मिनट, जैसे आप देख सकते हो भाई टीम नंबर 5 का एक ही एक बंदा बचा है विथ 4 किल। शायद यहाँ पे टीम नंबर 5 के बंदे सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि गाड़ी बस, जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 5 के बंदे सर्वाइव नहीं कर पाए, जो सोलो थे 4 किल्स पे टीम नंबर 21 ने उनका किल ले लिया है जैसे आपने अभी अभी देखा। गाइस ओवरऑल आप देख सकते हो टीम नंबर 1 जो पूरी स्क्वाड के साथ सर्वाइव कर रही है, टीम नंबर 2 भी पूरी स्क्वाड के साथ सर्वाइव कर रही है यहाँ पे, टीम नंबर टू आके तीन बंदे सर्वाइव कर रहे हैं पूरी स्क्वाड में से। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर 1 की तरफ से बहुत ही ज़्यादा फायरिंग हो रहा है, जो टीम नंबर 3 की जो वेहिकल निकल रही है उस पर टीम नंबर 1 के बंदे जो BTW के अगोरा है, और जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 3 के बंदे टीम नंबर 17 की तरफ एंटर करने ही वाले थे, जस्ट मिस वो वहाँ से निकल गए। हम टीम नंबर 1 की तरफ वापस बढ़ते हैं, जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 1 की दो तीनों तरफ एक एक स्क्वाड है, टीम नंबर 2 उनके बिल्कुल पीछे ही है, और टीम नंबर 3 17 ज़्यादा दूर नहीं। अब जैसे देख सकते हो टीम नंबर 17 के भी बंदे नॉक हो चुके हैं यहाँ पे, गाइस टीम नंबर 17 के तीन बंदे नॉक कर दिए गए। गाइस आपको क्या लगता है कौन सा क्या ये सर्वाइव कर पाएंगे एलसीज का देखो क्या ये बंदे सर्वाइव कर पाएंगे, जल्दी से बताएं। टीम नंबर 9 और टीम नंबर 1 दोनों की तरफ से इन पर फायरिंग हो रहा है जैसे आपने अभी भी देखा, और टीम नंबर शायद छतरी उनके बाजू में से निकल रहा है, शायद वो किल ले पाए। आप देख सकते हो जैसे कि उनके दोनों बंदों को रिवाइव मिल चुका है और एक बंदा उनका किल हो चुका है जैसे आप देख रहे हो गाइस, और आप देख सकते हो टीम नंबर 9 की तरफ से उन पर फायरिंग हो रहा है लगातार। शायद अभी टीम नंबर 1 ये मौका देखते हैं उनसे शायद रश करेंगे मेरे को लग रहा है। टीम नंबर 2 ने भी 4 किल दिए टोटली, और यहाँ पे आप देखते हो तो ड्रॉप पे भी थोड़े मोमेंट्स दिख रहे हैं, टीम नंबर 3 ड्रॉप के पास में ही आ गई है।
हम टीम 15 की तरफ बढ़ते हैं। भाई हम सब टीम्स को दिखा रहे हैं एक एक करके। अब जैसे देख सकते हो टीम, हम लोग एक ही टीम को बार बार नहीं बता सकते, तो भी आपकी एक रिक्वेस्ट पर मैं बता दे रहा हूँ टीम नंबर 11 को। एक बंदे नॉक हो चुके और उनपे रश कर दिया था बीच टीम नंबर 1 ने जो उसे बीटी डब्ल्यू थी। गाइस यहाँ पे गाड़ी शायद ब्लास्ट होने वाली है टीम नंबर 11 की। आप जैसे देख सकते हो गाड़ी पे फायर हो चुका है। टीम नंबर 1 के बंदे को गाड़ी से नॉक करने की कोशिश की, पर यहाँ पे ये मिस हो गया। जैसे आप देख सकते हो गाइस जस्ट मिस हुए, जिनका नाम है BTOW अखरम। ये टीम नंबर के बंदे से जस्ट कुचलते कुचलते अभी मिस हुए। जैसे आप देख सकते हो अभी भी टीम नंबर 14 के बंदे उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। गाइस अभी देख सकते हो ओवरऑल 1 2 3 4 5 टीम सर्वाइव करिए। पहली टीम है BTOW और दूसरी टीम है LC। तीसरी टीम में एक ही बंदा सर्वाइव कर रहा है, टोटल किल्स ऑफ 2 और उसके स्क्वाड किल्स से 4। टीम नंबर 14 भी सर्वाइव कर रही है, 3 बंदे सर्वाइव कर रहे हैं, टोटल किल्स उनके 12 है। टीम नंबर 5 जो आप देख सकते हो 3 बंदे सर्वाइव कर रहे हैं, टोटल किल्स ऑफ 7 8 लेके 8 9 9 किल्स लेके टोटल किल्स। और देख सकते हो टीम नंबर 1 जोन की तरफ जोन के अंदर बढ़ते हैं। और यहाँ पे टीम नंबर 3 का एक्चुअली एक छोटा बंदा है, और यहाँ पे देख सकते हो टीम नंबर 3 अभी सर्वाइव कर रही नहीं है। टोटली अभी 3 टीम्स है, किसको बताना उसको 25 देखा भी वैट रोहित वगैरह, वैट रोहित ने अच्छे किल्स लिए टीम नंबर 1 के। ओवरऑल टीम सभी सर्वाइव कर रही है। LCC जो टीम नंबर 2 टीम नंबर 14 और टीम नंबर 15, जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 15 और 14 के बीच में भी फायरिंग हो रही है। तो 15 के जो बंदे हैं दोनों तरफ से उन पर फायरिंग हो रही है टीम नंबर 2। और जैसे आप देख सकते हो रोहित जो है 8 का 98 निकाल के 8 से टीम नंबर 2 पे फायरिंग कर रहे हैं। ओ गाइस जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर 15 के एक बंदे नॉक हो चुके हैं टीम नंबर 14 के द्वारा, जो ज़्यादा दूर नहीं है उनसे टीम। गाइस टीम नंबर 14 शायद उनके अंदर उनको किल ले पाए, क्योंकि ये जोन के अंदर इनको जाना भी बहुत ज़रूरी हो गया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर 15 जोन में ही है, पर उनके 2 बंदे डाउन हैं। गाइस आपको अच्छा जैसे आप देख सकते हो अभी दो ही बंदे बचे, एक बंदा नॉक है जिनका नाम है रोहित वैट 69 के। क्या लगता है आपको टीम 15 सर्वाइव कर पाएगी इसको? अभी आपने देखा जो, पर उनको अच्छा कवर मिल गया है पेड़ का। शायद यहाँ पे टीम 15 के बंदे को स्मोक में जाके अपने टीममेट को रिवाइव कर देना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो टीम 2 अभी ज्यादा मतलब उन दोनों के फायरिंग में नहीं आ रही है, ओनली टीम 4 और टीम 14 और 15 के बीच में फाइट होने वाली है। साथ में अभी देखा टीम 15 के दोनों बंदे रिवाइव हो चुके हैं, और ये टीम 15 के बंदे ने टीम 14 के एक बंदे को नॉक कर दिया है, और टोटल में उनके 2 ही बंदे सर्वाइव कर रहे हैं। साथ में अभी भी देखा टीम 15 ने दोनों बंदों को नॉक कर दिया, अभी उनका एक ही एक बंदा बचा है। ये जैसे कि आप देख सकते हो टीम 15 के जो बंदे उनकी तरफ पुश करते हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हो टीम 14 वाइप कर दी गई है टीम 15 के द्वारा। अभी यहाँ पे टोटली सर्वाइव करे टीम 15 और टीम 2 जो है LCS की। गाइस आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सी टीम सर्वाइव कर पाएगी, टीम 15 या टीम 2? गाइस आप देख सकते हो जैसे LC पवन जो टीम नंबर 2 के बंदे वो नेल पकड़ते वो टीम के आगे, जैसे आप देख सकते हो टीम 15 के वापस एक बंदे जो थे वैट रोहित वो वापस नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे टीम 15 के लिए थोड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि LCS के टीम में अभी टोटली 2 बंदे अभी भी है। गाइस आपको क्या लगता है जल्दी से मैसेज कीजिए, टीम नंबर 15 या टीम नंबर 2 कौन सी टीम सर्वाइव कर पाएगी यहाँ पे? गाइस
वैसे जैसे आप देख सकते हो जोन भी आ रहा है टीम नंबर टू के, बंदे को जोन में एंटर करना ही पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो टीम नंबर टू के और बंदे नॉक हो चुके हैं, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो एलसीस की तरफ आ रहे हैं। हाँ टीम नंबर टू, आप जैसे कि देख सकते हो एलसीस ने ये गेम विन कर दिया है। एलसी मैं विनिंग टीम के नाम आपको बता देता हूँ, एलसी मॉन्स्टर, एलसी पवन, एलसी सत्यम और एलसी मिस्टर जोकर। वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड। और मैं और एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो शाम का हम लोगों का जो 7 से 9 बजे के बीच में जो लाइव स्ट्रीम होने वाला है, उसके जो विनिंग टीम रहेंगे उनको हम यूसीज देने वाले हैं। पूरे टीम के चारों मतलब बंदों को, प्लेयर्स को हम यूसीज देने वाले हैं। और गाइस जिन जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। और आपको स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइमिंग्स क्या, गिफ्ट्स गिव अवे क्या होने वाले हैं, वो सब मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे बता दूंगा। इंस्टाग्राम पे ही आपको मेरा व्हाट्सअप का भी लिंक वहाँ पे दे दिया जाएगा। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश रमावत, YOGESHRAMAWATH। गाइस हम लोग एवरीडे दो कस्टम्स बनाते हैं, एक होता है 1 से 2 बजे के बीच और दूसरा कस्टम होता है 7 से 9 बजे के बीच। और गाइस दोनों कस्टम्स लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं। कंग्रेचुलेशन टीम टू जो एलसीस की थी, वेल प्लेड गाइस। आप जैसे देख सकते हो ओवरऑल टीम्स में आपको शो कर रहा हूँ, टीम नंबर 1, 2 और सबसे ज़्यादा किल्स यहाँ पे शायद जो सेकंड प्लेस पे है इन लोगों लिया है। जैसे आप देख सकते हो वैट रोहित जो टीम 2 के थे, इन्होंने टोटल किल्स लिए है 9 और उनके दूसरे बंदे जो मयूर थे उन्होंने टोटल किल्स लिए है 5 और उनके और एक बंदे ने 1-1 किल। तो यहाँ पे इनके टोटल किल्स होते हैं 16 किल्स। जैसे आप देख सकते हो ओवरऑल सबसे ज़्यादा किल लिए है टीम 2 के बंदों ने। वेल प्लेड गाइस। गाइस प्लीज़ मैं वापस आपको रिपीट करता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक्स होती है लाइव स्ट्रीम के द्वारा तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं फर्दर उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करूं। और गाइस प्लीज़ अपने घर में सेफ बने रहिए, जो ये हमारा COVID-19 का चल रहा है। और जैसे कि आपने कल देखा हमारे जो रिपब्लिक न्यूज़ के जो बंदे हैं उन पे कल थोड़ा मतलब जो रिपब्लिक न्यूज़ के हमारे मेन जो बंदे हैं उन पे थोड़ा कल कुछ वो लोगों ने हमला किया था। प्लीज़ गाइस ऐसा करने से आप लोग ही लोगों को मना कर सकते हो एज अ सपोर्ट। प्लीज़ आप लोग इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, न्यूज़ वाले हम लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के सब इन्फॉर्मेशन लाते हैं। गाइस ये सही नहीं कर रहे हैं जो भी लोग ये है जो न्यूज़ वाले पर। जैसे आप देख सकते हो बेंगलोर में भी जो मेडिकल टीम्स थी उन पर भी पथराव किए गए बहुत गंदी तरीके से, और जो मेडिकल कैंप्स थे उन पे भी आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ हुई थी बेंगलोर में भी। प्लीज़ गाइस जो भी है हम लोगों का जो COVID-19 का ये खतरा चल रहा है, प्लीज़ सब लोग इस पे सपोर्ट कीजिए और पीएम की सपोर्ट, पीएम मोदी जो भी बोलते हैं उनकी सपोर्ट देखिए, वो जो बोल रहे हैं हम सबके भलाई के लिए बोल रहे हैं। ओके गाइस मैं अभी ये लाइव स्ट्रीम स्टॉप करता हूँ, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग इन माय लाइव स्ट्रीम। साइनिंग ऑफ योगेश रमावत।